आपका घर है? आपके पास लेके हाजिर हुआ। हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे खाब पूरे कर, औरत सब कुछ भूल जाती है लेकिन वो किससे मोहब्बत कर। तुम मुझे मार ही नहीं सकती हो। ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया। सुनो, तुम्हारे मरने की खबर हमें मिली थी। इरम और दिलीप से कई बार मेरी इस बारे में बात हुई है, तुम्हारे उस सिलसिले के शुरू होने के बाद। सिलसिले क्या मतलब? अंदलीप ने तो कई बातें बताई थी मुझे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि हम बहुत शरीफ और तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो तुम्हें यहाँ रखने के भी खिलाफ थी। ये तो नुमान की पुरानी दोस्ती है अकरम भाई और रिहान भाई से। बस हम ये इतना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब कोई तकलीफ ना हो। और अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर को गोली लग जाने के बाद वो बच जाता है। उधर महक का बाप भी सारे घर वालों को बताता है कि महक जिंदा है, जिसकी वजह से महक की माँ को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। और दूसरी तरफ महक के कजन एहसन को बहुत बड़ा सदमा है कि उसी की वजह से महक का कत्ल हुआ है और वो इस दुनिया से जा चुकी है। अकेला परेशान आंखों में आंसू ली हुई आहेकार पहुंच ही जाता है महक के घर में, जहाँ पर जाकर नहीं दंटी के कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन महक की माँ सदमे में जा चुकी है। आजकल किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। अकरम साहब ने हीद को सारा का सारा मामला बहुत जल्द बताने वाले है। उधर शमशेर ने अपनी जिंदगी सारी की सारी महक के लिए वक्फ कर दी है और उसी की यादों में रो रहा है। उसको याद करके आंखों में आंसू लिए हुए तड़प रहा है कि महक इससे दूर क्यों जा चुकी है। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। महक का बाप सारे घर वालों को बताता है कि महक जिंदा है,
जिसकी वजह से महक की माँ को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। और दूसरी तरफ महक के कजन एहसान को बहुत बड़ा सदमा है कि उसी की वजह से महक का कत्ल हुआ है और वह इस दुनिया से जा चुकी है। अकेला परेशान आंखों में आंसू ली हुई आहेकार पहुंच ही जाता है महक के घर में, जहाँ पर जाकर नहीद आंटी के कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन महक की माँ सदमे में जा चुकी है। आजकल किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। अकरम साहब नहीद को सारा का सारा मामला बहुत जल्द बताने वाले है और दर्शम शेर ने अपनी जिंदगी सारी की सारी महक के लिए वक्फ कर दी है और उसी की यादों में रो रहा है। उसको याद करके आंखों में आंसू लिए हुए तड़प रहा है कि महक इससे दूर क्यों जा चुकी है। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर को गोली लग जाने के बाद वो बच जाता है। उधर महक का बाप भी सारे घर वालों को बताता है कि महक जिंदा है, जिसकी वजह से महक की माँ को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। और दूसरी तरफ महक के कजन एहसान को बहुत बड़ा सदमा है कि उसी की वजह से महक का कत्ल हुआ है और वह इस दुनिया से जा चुकी है। अकेला परेशान आंखों में आंसू ली हुई आहेकार पहुंच ही जाता है महक के घर में, जहाँ पर जाकर नहीद आंटी के कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन महक की माँ सदमे में जा चुकी है। आजकल किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। अकरम साहब नहीद को सारा का सारा मामला बहुत जल्द बताने वाले है और दर्शम शेर ने अपनी जिंदगी सारी की सारी महक के लिए वक्फ कर दी है और उसी की यादों में रो रहा है। उसको याद करके आंखों में आंसू लिए हुए तड़प रहा है कि महक इससे दूर क्यों जा चुकी है। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर को गोली लग जाने के बाद वो बच जाता है। उधर महक का बाप भी सारे घर वालों को बताता है कि महक जिंदा है, जिसकी वजह से महक की माँ को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। और दूसरी तरफ महक के कजन एहसान को बहुत बड़ा सदमा है कि उसी की वजह से महक का कत्ल हुआ है और वह इस दुनिया से जा चुकी है। अकेला परेशान आंखों में आंसू ली हुई आहेकार पहुंच ही जाता है महक के घर में, जहाँ पर जाकर नहीद आंटी के कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन महक की माँ सदमे में जा चुकी है। आजकल किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। अकरम साहब नहीद को सारा का सारा मामला बहुत जल्द बताने वाले है और दर्शम शेर ने अपनी जिंदगी सारी की सारी महक के लिए वक्फ कर दी है और उसी की यादों में रो रहा है। उसको याद करके आंखों में आंसू लिए हुए तड़प रहा है कि महक इससे दूर क्यों जा चुकी है। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।